में पढ़ना स्टार्ट हो गई है, तो आप सबको पता होगा भाई हमारे गांव में अभी गाड़ियां नहीं जा रही है रोड। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिल्वर नो व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, होने भी चाहिए। तो ठीक है, और आज का जो वीडियो है, आज हम एक अलग टॉपिक की बात करने वाले हैं। आज कोई मोटो व्लॉग नहीं करने वाले हैं, वैसे बहुत गर्मी है तो इसलिए मोटो व्लॉग करने जा रहे हैं आज। तो भाई टॉपिक ये है कि तुम लोग ये पहले स्क्रीनशॉट देख रहे हो, कॉपीराइट स्ट्राइक आ रखा है मेरे चैनल पे भाई, पहला स्ट्राइक आ रखा है ऐसे चैनल पे। तो स्ट्राइक आया क्यों? मैं परसों रात को मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें था कि आमिर वाजिद से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ होती बता रखी थी कि भाई जो प्रो राइडर भाई का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से जो जो आमिर का जो भी रिएक्शन रहे उस बंदे ने, भाई अगस्त भाई के घर जाने के बजाय इस टाइम वो सबसे छुपता भाग रहा है, एक बार भी उनके घर नहीं गया ना, उसने क्लैरिटी दी, बस उसने अपने से एक कर दिया कि रॉ वीडियो अपलोड करके कि भाई हाँ भाई मैं साइड हो जाता हूँ, मेरा कोई लेन देन नहीं है उसके बाद। तो यार छोड़ो, उस टॉपिक पर बाद में आते हैं। तो भाई वो बंदा इस टाइम क्या कर रहा है, मतलब उसका कोई वो नहीं है कि भाई वो प्रॉपर छुआ भी नहीं है, बंदा मस्त अपने ब्लॉग्स डाल रहा है, व्यूज़ आ रहे, अच्छे खासे छाप रहे, सब कुछ सही चल रहा है, बट फिर भी बंदा क्या कर रहा है, अपने घर वाली साइड अपने गांव भाग गया। जब मुंह भी नहीं आया भाई वो अपने गांव भाग गया, वो इतना भाई भगोड़ा कहते हैं ना जिसको, वो भगोड़ा बन चुका है उस टाइम, अपने घर भाग चुका है, मतलब उसको इतना डर पड़ रखा है कि भाई कोई पकड़ ना ले या मुझ पर केस ना हो जाए कुछ भी ऐसा, मतलब उसको पता है जहाँ भी वो मिल गया ना, जिसको भी मिल गया इस टाइम उसकी तगड़ी हल कुटाई हो जाएगी, इसलिए बंदा वो अपना शहर छोड़ के भाग गया, अपने घर भाग गया, जंगल झाड़ों में छुप के बैठ गया। पर हाँ, वहाँ से रेगुलर ब्लॉग्स जो अपलोड करे जा रहा है भाई, पैसा पैसा तो भाई चाहिए ना, उसका मेन मोटिव ही वही है पैसा भाई, उसके लिए दोस्ती यारी कुछ मैटर नहीं करती, मेन चीज़ उसके लिए पैसा, तो वो चाहिए उसको, ब्लॉग अपलोड हो रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, पैसा आ रहा है। तो भाई ये है, तो हमने एक वीडियो अपलोड की जिसमें उसकी पूरा प्रॉपर पर्दाफाश कर रखा था, मतलब प्रॉपर तरीके से सब उसका सब एक्सपोज था, और बंदे ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी मेरे चैनल पे भाई, मतलब ना कोई गाली थी, ना कुछ एब्यूसिव था, न्यूडिटी, मतलब कुछ भी यूट्यूब की गाइडलाइंस कोई भी हमने ऐसे था नहीं कि जो हमने कम्युनिटी गाइडलाइंस हमने फॉलो नहीं की थी, बट फिर भी मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गई विदाउट एनी रीजन। ठीक है, कोई बात नहीं, आ गई तो आ गई, बट उसके बाद वीडियो भी रिमूव्ड हो गई, वो भी ठीक है। उसके बाद यार फिर ना मुझे जो मेरे प्रीवियस वीडियो थे उसमें बहुत सारे हेट कमेंट्स आने लगे कि भाई आमिर वाजिद ये है, तू भाई गलत वीडियो सुना रहा है, तू आमिर वाजिद का नाम लेके भाई फेम कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा भाई। तो आई डोंट गिव फक मैन, आई डोंट गिव फक टू आमिर वाजिद, मुझे फ़र्क नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, जी ये मरे बंदा भाई, उसको इतनी गाली पड़ रही है। तुम लोग ने ये वीडियो देखा ना अगस्त भाई की बुआ का, भाई उन्होंने शर्म कितनी गाली, कितनी बदुआ ले ली भाई उसने, मतलब पैसों के लिए, मतलब बंदे ने क्या ही कर दिया यार, मतलब बंदा यार जिसके घर गया, खाया पिया, उसके साथ उसका बैठा, फैमिली से मिला, मतलब उसी को, मतलब वो बंदा अपने दोस्तों और जो उसके पुराने दोस्त थे, मतलब जिस जिसके साथ जो भी उसका दोस्त था ना पुराने टाइम पे, मतलब उसने सबकी वाट लगाई और वो बंदा दोस्ती के लायक भी नहीं भाई, भाई क्या ही बोले भाई। और ये पहली बार नहीं है भाई, ये दूसरी बार हुआ, एक बार पहले तो ने भाई जाके अनुराग से किया था, जो भी किया यूकी रिसम से, पहले तो ना उस भाई के घर पे गया, खाया पिया, जिसके साथ रहा है, उसके माँ बाप के साथ जब अच्छे से मिला, उसके बाद तूने उसके साथ गंदी वाली बीफ कर दी, कितनी गंद, कितना गंद फैलाया था उस टाइम भी तूने यार। और भाई क्या ही बोले भाई, वो बंदा भी भाई वो सही बंदा था, उसने आज उसने कुछ किया ही नहीं भाई रिप्लाई में तेरे, उसने तेरे को रिप्लाई ही नहीं दिया किसी से, मैं तो यही कहूँगा उसने रिप्लाई नहीं दिया तुझे भाई, कोई होता ना मेरी जगह कोई भी होता ना भाई तेरी फाड़ देता घर आगे, मतलब क्या बंदा यार, तू जिससे दोस्ती करता उसी के मतलब पीठ पीछे खंजर घुमाता भाई। ठीक है यार, वह अभी मैं एक वीडियो चलाने वाला हूँ अगस्त भाई की बुआ का, तुम लोग वो वीडियो देखो पहले, वैसे तो सभी ने देखा होगा ऑलमोस्ट, और उसमें कुछ लाइंस ऐसी है, मैं पर्टिकुलर उन्हीं लाइन पे फोकस करूंगा, तुम लोग देख लो। आज तू एविडेंस दिखा रहा है, उस दिन काम मर गया था तू, हमारे घर में आया तू, नमक हरामी करी तूने, खा के गया यहाँ पर मेरे भाई के हाथ से, उसके बच्चे को छीन के ले गया तू, उस कोक को भी मैं गाली देती हूँ जिस कोक ने तुझे जैसा नीच पैदा कर दिया, जो सड़कों में बच्चों को छोड़ के चला जाता है, कोई जानवर भी ऐसा नहीं करता, अगर किसी के साथ कोई जानवर को कोई हादसा हो जाता है सारे जानवर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। पैसा कमाने के लिए तू वीडियोस बना रहा है, मेरे बच्चे को बदनाम कर रहा है, तू लाएगा जब तू जाएगा इस दुनिया से, तेरा बाप लाएगा तेरे लिए मेडल, तुझे बात करनी है तो मुझसे कर, मुझसे कर, तू मुझसे बात कर, तू मुझसे बात कर, तू साले कमीने, तू बच्चों को बरगलाता है, स्टंट दिखाता है पैसे कमाने के लिए। ओके, तो तुम लोग ने देख लेना भी भाई कि आंटी ने कितनी ज्यादा क्या ही बोले, मतलब उनके अंदर की भड़ास उन्होंने बोल दिया जो भी बोला आमिर को, मतलब आमिर को तो पड़े पड़े उसके अपने माँ बाप को इतनी गाली पड़ेगी फालतू में यार, मतलब कैसा बंदा है यार कि उसकी वजह से उसको अपने माँ बाप तक कुवाली, जितना उसने अपने माँ बाप को इज्जत दिलाई थी ना, जितना दिखाता था मेरी माँ मेरे बाप ये वो, और कितनी ज़्यादा गाली पड़ गई उसके माँ बाप को, बेवजह बेफालतू में क्या ही बोले, मतलब कोई रीज़न नहीं, मतलब गलती उसने करी और गालियाँ किसको पड़ रही हैं, पेरेंट्स को। सही है भाई, तेरा भी सही है भाई, जितना तू मतलब करता था ना कि भाई सक्सेस सक्सेस, जितना देखो ऊपर जाना था, जितना जल्दी तेरे को ऊपर जाना था उतने डबल स्पीड में भाई तुम नीचे आएगा, अब तेरी सक्सेस का टाइम खत्म, तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया भाई। ठीक है ना, तू जो करना अब कर ले भाई, अब तेरी खत्म हो गई भाई, जितना तूने जम्मू का नाम रोशन कर रखा था ना,
उतना ना डुबा दिया भाई, उससे गंदे लेवल का डुबा है, जितनी स्पीड से गया ना उससे डबल स्पीड में नीचे लाया तूने भाई। ठीक है, और आज के बाद इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो हमारे चैनल पे नहीं आएगा, लास्ट वीडियो है, फुल एंड फाइनल। ठीक है, जय राम जी की, बाय।